हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को एक नया पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ, पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज के बारे में। जैसा आप लोगों को पता है, पिछली क्लास में मैंने रेक्टेंगल पढ़ाया था, उसका थोड़ा सा खराब रूप, मतलब अपोजिट साइड। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल तो हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है। प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री हुआ तो आप लोगों को पता है कि बन जाएगा रेक्टेंगल, और प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री नहीं हुआ तो ये बनता है पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को पहला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। और जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले पढ़ते हैं इसकी थ्योरी, फिर उस पर बेस्ड हो सकता है मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊं, और उसके बाद हम लोग जब कंप्लीट थ्योरी हो जाएगी और ये अपना क्वाड्रिलेटरल चल रहा है, इसके बाद मैं आपको सर्किल पढ़ाने वाला हूँ, और इससे पहले ट्रायंगल और लाइंस और एंगल के बारे में मैं कंप्लीट समझा चुका हूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो पर आया है, तो आप लोग फर्स्ट टाइम अगर ये यूट्यूब चैनल पर आप लोग वीडियोज़ देख रहे हो, तो आप लोग पहले मेरे जो ट्रायंगल के लेक्चर हैं उनको देखिए, और फिर आप लोग ये जो क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट, और आगे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कंप्लीट सर्किल। पढ़ाने का तरीका मेरा पता होगा, मैं पूरा बेसिक तरीके से पढ़ाता हूँ, कौन से पॉइंट कहाँ से कैसे आया वो सारी चीजें मैं आपके लिए बताता हूं। देखिए होता क्या है, हम लोग बात करते हैं समांतर चतुर्भुज। मैंने कहा रेक्टेंगल का थोड़ा सा खराब रूप, रेक्टेंगल इस प्रकार से था जिसका प्रत्येक कोण अपने पास, रेक्टेंगल इस प्रकार से था जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री। इसको यहां से थोड़ा सा दबा दिया जाए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता, ये बात आप लोग ध्यान रखना, लेकिन अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल तो होंगी। अपोजिट साइड बराबर भी होंगी और पैरेलल भी होती हैं, अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल तो होती हैं, लेकिन ध्यान रखना प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। पहली प्रॉपर्टी, इसके जो अपने पास दोनों डायगनल्स होते हैं, दोनों विकर्ण जो होते हैं वो ध्यान रखना इक्वल नहीं होते। दोनों जो डायगनल्स होंगे, दोनों जो विकर्ण होंगे, डायगनल फर्स्ट ये वाला और दूसरे वाला डायगनल, मान लो यहाँ से यहाँ तक है, डी वन और डी टू, ये दोनों बराबर नहीं होते। क्यों नहीं बराबर होते, क्योंकि अपने पास ये जो है अपने पास कोण 120 डिग्री अगर है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इसके सामने ये जो रेड वाला है ये कोण 120 डिग्री है, तो ये वाला कोण अपने पास 60 डिग्री होना है। इस प्रकार से ब्लैक वाले के सामने 60 डिग्री और ये 120 डिग्री, पहले दोनों कोण ये भी 90 और ये भी 90 था रेक्टेंगल में, तब तो दोनों डायगनल्स इक्वल हो गए थे। अब की बार ये जो कोण है, देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा सही समझाऊँ, तो अपने पास ये जो डायगनल का ये जो कोण अगर 120 डिग्री और लाइन पैरेलल है, तो इस प्रकार से ये डायगनल अगर मैं मिलाऊंगा समांतर चतुर्भुज का, तो ये कोण 60 डिग्री होने और 60 डिग्री के सामने की साइड और 120 डिग्री के सामने साइड की लेंथ तो अलग अलग होनी है, तो दोनों डायगनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। दोनों जो विकर्ण होते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग डायगनल या विकर्ण, और ध्यान रखना दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी नहीं होते, एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण भी नहीं बनाते। यहाँ पर जो कोण बनता है ये 90 डिग्री नहीं बनता, ये आप लोग ध्यान रखना, परपेंडिकुलर नहीं होते, ये अपना फर्स्ट पॉइंट है, ये आप लोग याद रखना। ऐसे मैं पॉइंट वाइज आप लोगों को पढ़ाते चलूंगा। कल की क्लास में अगर रेक्टेंगल, कुछ पॉइंट यहाँ पर ऐड होंगे और कुछ पॉइंट वहाँ से हट जाएंगे, कौन से नए पॉइंट ऐड होंगे और कौन से पॉइंट वहाँ से हट जाएंगे, ये चीज़ें मैं आप लोगों को समझाते हुए चलूँगा। तो पूरा लेक्चर देखना, ऐसे नहीं सोचना कि सर तो कल वाली चीज़ें ही बता रहे हैं, रेक्टेंगल में भी मैंने ऐसे ही पढ़ा था, यहाँ रेक्टेंगल में और इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, सिर्फ एक दो पॉइंट ऐड हो जाएंगे और एक दो पॉइंट यहाँ से हट जाएंगे, और वो आपने कंप्लीट देखा है या आपने कंप्लीट अगर वीडियो देखा है तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। दोनों जो डायगनल्स होते हैं, दूसरा पॉइंट, इसका जो सेकंड पॉइंट है, ध्यान रखना दोनों जो डायगनल्स होंगे, दोनों जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पहला ये अपने पास इस प्रकार से, थोड़ा सा इस प्रकार से होता है, ये रेक्टेंगल टाइप बन गया, तो थोड़ा मैं सही बना देता हूँ। इस प्रकार से इसके जो दोनों डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, सेकंड पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। दोनों जो विकर्ण होते हैं, दोनों जो डायगनल्स होते हैं एक दूसरे को
इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, याद रखना। क्यों करते हैं मैं समझाने की कोशिश करता हूं। दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, दोनों डायगनल्स बराबर नहीं होते, D1 और D2 नॉट इक्वल्स तो नहीं होते, लेकिन ध्यान रखना दोनों डायगनल्स एक दूसरे को समद्विभाजित इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों लाइन बराबर और पैरेलल, अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होंगी तभी पैरेललोग्राम बनता है। तो ध्यान रखना ये साइड अगर इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये कोण अगर वाई है तो अपने पास ये वाला कोण भी वाई होगा। अपोजिट जो अपने पास एंगल होते हैं वो एक दूसरे के साथ अपने पास, ध्यान रखना ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं और अपोजिट एंगल तो बराबर होते ही हैं। ऑल्टरनेट एंगल दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर है तो ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर हो गए, दो एंगल बराबर और एक साइड बराबर होते ही दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम हो गए तो इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये, इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये दोनों बराबर होंगी। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो दोनों डायगनल्स एक दूसरे को, ध्यान रखना, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, और ये रेक्टेंगल में भी कर रहे थे लेकिन वहाँ पर दोनों बराबर थे, यहाँ दोनों इक्वल नहीं होते लेकिन इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ये इधर टोटल अगर D1 है तो D1/2, D1/2, ये अगर टोटल D2 है तो D2/2, D2/2, ये है अपने पास सेकंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आगे चलते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पर। तीसरा जो अपने पास पॉइंट है वो इस प्रकार से है, थर्ड पॉइंट पर हम लोग चलते हैं यहाँ पर, और मैं पॉइंट वाइज ही पढ़ाऊंगा ये पूरा चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट, ताकि आपको बेसिक पूरा अच्छे से समझ में आए। दोनों जो डायगनल्स होते हैं, दोनों जो अपने पास एक विकर्ण पहले कोई सा भी, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करता है। लिखना चाहो लिखते चलना, ये 10-12 पॉइंट अपने पास प्रत्येक में मैं बताऊंगा, 11-12 पॉइंट मैं बताते चलूंगा, जिससे आपको चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आएंगी, अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए आप लोग प्रत्येक पॉइंट लिखते भी चलना, साथ साथ जैसे आप लोग वीडियोज़ देखते चल रहे हो वैसे वैसे आप लोग लिखते भी चलना, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर, एस 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 से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, और दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गए तो उनका सब कुछ बराबर, क्षेत्रफल भी बराबर होगा, 1/2, 1/2, इनका एरिया भी बराबर होगा। ये तीन नंबर पॉइंट था, और इसके साथ साथ ही मैं एक जो इसके साथ ही मैं पढ़ाता हूँ चार नंबर पॉइंट, वो भी आप लोगों को मैं साथ साथ ही बता देता हूँ। यहाँ पर अपने पास दोनों जो डायगनल्स होते हैं वो एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, कल का वीडियो आप लोग देखिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने कहा है कि डायगनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, तो जो दूसरा विकर्ण होगा, एक विकर्ण क्षेत्रफल को समद्विभाजित क्यों करता है ये मैंने अभी भी समझाया, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं इसको इससे मिलाऊं, डायगोनल मिड पॉइंट पर जाकर मिलता है तो ये मीडियन का काम करेगी, 1/2 आधा पहले हो चुका, आधे का आधा करोगे तो 1/4, 1/4, इधर से मिड पॉइंट पर मिलता है मीडियन जो है वो, अब डायगनल जो है यहाँ से मिड पॉइंट को आकर मिले तो आधा आधा, 1/4, 1/4। तो ध्यान रखना आप लोग जो अपने पास रेक्टेंगल जो अपने पास सॉरी दोनों जो जो डायगनल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम के एरिया को, दोनों विकर्ण अपने पास जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके क्षेत्रफल को 4 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। ये अपने पास पॉइंट नंबर है 4। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 5 पर। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग, पॉइंट नंबर 5, यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग, 5 नंबर पॉइंट, ये अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये समझना। पिछली बार भी मैंने समझाया था, आधी चीज़ें तो वही हैं, पिछली बार भी मैंने समझाया था, याद रखना ए बी सी और डी, ये कोई भी अपने पास पैरेललोग्राम है, इसके अंदर की तरफ अगर कोई भी पॉइंट ओ है, कहीं भी इसके अंदर की तरफ कोई भी पॉइंट अगर मान लो ओ है, तो इनको अगर मिला दिया जाए, ए से ओ को, ओ से डी को, ओ से सी को और ओ से बी को अगर मिला दिया जाए, तो ध्यान रखना इसका क्षेत्रफल A1, ये अगर A2 है, ये अगर A3 है और ये अगर A4 है, तो याद रखना सभी लोग A1 प्लस A3 का क्षेत्रफल, और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, A1 प्लस A3 का जो क्षेत्रफल है वो A2 प्लस A4 के क्षेत्रफल के सम के बराबर होता है। चारों में से एरिया है, A का मतलब ये क्षेत्रफल है, ध्यान रखना ये क्षेत्रफल है यहाँ पर, और क्यों होता है वो चीज़ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये इसलिए होता है, ये हुआ क्यों ये मैं बता देता हूँ। अंदर ध्यान रखना दोनों डायगनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, कहीं भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी पॉइंट हो सकता है, और ये वाला पॉइंट अगर ओ है,
इसके अंदर की तरफ कहीं भी पॉइंट हो सकता है, और ये वाला पॉइंट अगर O है और इसका बेस अगर अपने पास ये मान लो यहाँ से यहाँ तक मान लो A है, बेस A मान लो, और ये A है तो ये भी A ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी ये हाइट अगर H1 है और इसकी हाइट अगर ये H2 है, तो इस ट्रायंगल ए क्यूब बी का क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू ए इंटू एच वन, प्लस ऊपर वाले का इस ट्रायंगल डी ओ सी का क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू ए इंटू एच टू, और हाफ और अगर ए कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा एच वन प्लस एच टू, और एच वन प्लस एच टू को इसकी टोटल हाइट मान सकते हैं हम लोग एच, तो हाफ ए इंटू एच। इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा ए इंटू एच। इसके पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला आप लोग मेंशुरेशन में मुझसे पढ़ोगे, वो होता है बेस इंटू हाइट। बेस अगर ए माना है और हाइट अगर ए है तो ए इंटू एच, और इस वाले दोनों का जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल हम लोगों ने ए वन और ए थ्री का क्षेत्रफल, इसको माना था हम लोगों ने ए थ्री और इसको माना था हम लोगों ने ए वन, और ए वन और ए थ्री का क्षेत्रफल क्या हाफ ए एच है, तो बचे हुए दोनों का क्षेत्रफल भी हाफ ए एच होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप लोग याद रखना। आइए हम लोग अगले पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना आप लोग। जैसा रेक्टेंगल में मैंने बताया था, इसके जस्ट बाद अगला जो पॉइंट मैंने बताया था ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ये चीज़ ध्यान रखना अपने पास यहाँ पर नहीं होती। कुछ लोग पिछला वीडियो देखने के बाद इन चीज़ों को अपने आप ही याद कर लेते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर ऐसा नहीं होता। रेक्टेंगल में मैंने बताया था बाहर की तरफ हो या अंदर की तरफ पॉइंट हो, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ से ए तक ओ से बी तक इसकी लेंथ थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, जो भी पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया था ध्यान रखना यहाँ पर अपने पास जो विकर्ण होता है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। विकर्ण जो होता है यहाँ से यहाँ तक का जो डायगोनल होता है वो एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, ये सभी लोग ध्यान रखना। डायगोनल जो होता है वो एंगल को बाइसेक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल अपने पास ये वाला और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सम सर्वांगसम तो हैं, कॉन्ग्रेंट तो हैं, लेकिन ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होता है और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होता है, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है तो इसके सामने का एंगल वाई, इसके सामने का एंगल वाई, और ये वाली साइड इसके बराबर है तो इसके सामने का एंगल एक्स, तो इसके सामने का एंगल एक्स, और ये कॉमन है। तो ध्यान रखना ये जो डायगोनल होता है वो एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, इसको समद्विभाव, जो अपने पास डायगोनल होता है वो एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में नहीं बांटता है, ये ध्यान रखना। कुछ लोग बांटता कहाँ पर है, स्क्वायर में और रोम्बस में बांटता है, जो कल और परसों की क्लास में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पैरेललोग्राम पढ़ा रहा हूँ, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, यहाँ एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है। अब बात ये आती है, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग पिछले भी क्लास में हम लोगों ने समझा था, रेक्टेंगल के लिए भी ये पॉइंट समझा था और ये पैरेललोग्राम के लिए भी हम लोग समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 आप लोग कोशिश करना समझने की। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 7, ध्यान रखना यहाँ पर ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है अपने पास, समांतर चतुर्भुज है, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर, ऐसे ही इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर, मान लो ये मिलता है यहाँ पर P पर, ये पॉइंट मान लो Q, ये पॉइंट मान लो R और ये मान लो S, वो हम लोगों से पूछेगा कि आप लोग बता दीजिए P, Q, R और S कौन सा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज होगा, आयत होगा या स्क्वायर होगा, ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछता है। एक बात सभी लोग ध्यान रखना, अगर दो लाइन कभी भी पैरेलल हों, मैंने पहले भी बताया मैं फिर समझा देता हूँ, दो लाइन अगर कभी भी पैरेलल हों तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो लाइन कभी भी पैरेलल हों और इसके अपोजिट लाइन पैरेलल होती हैं, दो लाइन अगर कभी भी पैरेलल हो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, और ध्यान रखना दो लाइन अगर पैरेलल हो इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वो बना कोण 90 डिग्री, क्योंकि ये भी एंगल का दोनों का सम 180 डिग्री था, इसका भी आधा कर दिया और इसका भी आधा कर दिया तो आधा इन दोनों का सम 90 बचा, तो त्रिभुज का तीसरा कोण भी 90 डिग्री। अगर ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है तो मैंने लाइन और एंगल का जो वीडियो आप लोगों के लिए डाला है पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, उसमें आप लोग देख लीजिए अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए,
तो जब भी दो लाइन अगर पैरेलल हो और उनका एंगल बाइसेक्टर अगर मिला दें, लाइन पैरेलल और एंगल बाइसेक्टर अगर कहीं भी मिले, तो ध्यान रखना वहाँ पर बना कोण 90 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से ये एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है, जहाँ पर मिलेंगे ये कोण होगा 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। ऐसे ही इस एंगल का बाइसेक्टर ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ाएं और इस एंगल का बाइसेक्टर ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ाएं, तो अपने पास एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं, अभी भी मैं समझा चुका हूँ, एंगल अगर दो लाइन पैरेलल हो और इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जहाँ पर भी मिलेंगे, वो कोण अपने पास राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। दोनों लाइन पैरेलल थी, जहाँ पर मिला 90 डिग्री। ऐसे ये दोनों लाइन भी पैरेलल हैं, तो इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर ये जो मिलेगा, ये कोण 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री है, तो अंदर वाला भी 90 है। ऐसे ये दोनों लाइन भी पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन के एंगल बाइसेक्टर है, खुद ने बोला है मैंने एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, वहाँ पर बना कोण 90 डिग्री, और एक चतुर्भुज के चारों कोण अगर 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री हैं, तो तुरंत ध्यान रखना आप लोग, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, या तो वो रेक्टेंगल होगा या वो स्क्वायर होगा। अब रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, इसका कैसे पता करोगे? इसका पता करने का तरीका होता है, मान लो अपने पास ये साइड अगर एल है, तो ये साइड भी एल होगी, और ये एंगल बाइसेक्टर हैं, अपोजिट ये एंगल अगर ए है, तो ये भी ए होगा, अपोजिट एंगल इसके इक्वल होते हैं, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये ए तो ये भी ए, ये अपने पास ये दोनों भी बराबर होंगे, तो एंगल बाइसेक्टर है, तो ये बी बी, और ये बी तो ये बी बी, इसके पैरेललोग्राम के समांतर चतुर्भुज के अपोजिट एंगल ये 2a है, तो ये भी 2a होगा। क्यों होगा? वो थोड़ी देर बाद, अभी मैं आप लोगों को खुद को समझाने वाला हूँ, अभी इसको याद कर लीजिए। तो a है, b है, b है और a है, और l दो तो एंगल बराबर, a b, a और b, और एक बीच की साइड बराबर, तो मुझे बताओ इसको नाम दे दूँ अगर मैं a b c और d, तो सारे लोग मिलकर बताइए a r b, इस चीज़ को समझ लीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग समझ लो, ए आर बी और क्या सी पी डी, क्या दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की साइड अगर अपने पास एक्स है, यहाँ से यहाँ तक की साइड अगर एक्स है, तो इसकी भी यहाँ से यहाँ तक की साइड एक्स होगी, त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। कौन कौन से? डी पी सी, त्रिभुज डी पी सी सर्वांग सम हो गया, किसके साथ? डी पी सी सर्वांग सम हो गया बी आर ए के साथ। अब आगे ध्यान देना, यहाँ पर इसकी दूसरे वाली साइड L और L तो बराबर है, X और X बराबर हो गई, इसकी यहाँ से यहाँ तक की साइड अगर Y है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की साइड अगर Y है, तो ध्यान रखना इसकी भी यहाँ से यहाँ तक की साइड Y होगी, क्योंकि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते ही सब कुछ बराबर हो जाता है। तो आप लोग ऐसे ही प्रूव कर सकते हो कि सी क्यू बी, इधर से सी क्यू बी जो है और इधर से अपने पास डी एस ए जो है, ये दोनों भी सर्वांग सम होंगे, तो इसकी साइड यहाँ से यहाँ तक, ये साइड अगर इसकी यहाँ से यहाँ तक अल्फ़ा मानोगे, ये साइड कितनी है टोटल? एक्स, ये ऊपर वाली अल्फ़ा मान ली, तो नीचे वाली यहाँ से यहाँ तक की जो साइड होगी, ये वाली साइड, इसको समझना ध्यान से, ये वाली साइड बची है अपने पास एक्स माइनस अल्फ़ा, ऐसे ये पूरी साइड वाई है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की साइड अगर हम लोग बीटा मान लें, ये साइड यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इधर वाला बचा वाई माइनस बी, ऐसे ही प्रूव कर सकते हो ये वाली साइड y माइनस बी होगी, और ऐसे ही प्रूव कर सकते हो ये साइड x माइनस अल्फा होगी, ये साइड अगर b है टोटल y थी, ये अगर b है तो ऊपर वाली y माइनस बी, ऐसे ही इधर वाली ये टोटल अगर अपने पास यहाँ से यहाँ तक y है और ये यहाँ से यहाँ तक अगर b है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी b होगी, क्योंकि ऐसे ही दो त्रिभुज सी क्यू बी, इधर भी ट्रायंगल सी क्यू बी और दूसरा ट्रायंगल इधर से अपने पास ए एस डी भी सर्वांग सम होंगे, ये आप लोग खुद देखना सर्वांग सम क्यों होंगे, ए एंगल बी एंगल, ए एंगल बी एंगल और एक साइड बराबर, अपोजिट साइड बराबर होती हैं। डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, इसके दो अपने पास एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं, वो आकृति ध्यान रखना, चारों कोण 90 डिग्री और अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल हैं, तो ये जो आकृति आपको बनती है, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि ये जो आकृति बनती है अंदर, ये रेक्टेंगल बनेगी, ये आयत बनता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ये पॉइंट नंबर अपने पास 7 नंबर था, अगला पॉइंट मैं समझाता हूँ, पॉइंट नंबर 8। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, 8 नंबर पॉइंट, और ये आप लोगों को पता है, परसों की क्लास से मैं करवाते आ रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा और सही समझ में आएगा, पॉइंट नंबर 8। ये अपने पास कोई भी समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी,
ये पॉइंट थोड़ा सा सही और थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। अपने पास कोई भी पॉइंट है ए बी सी और डी, कोशिश करना समझने की, ध्यान देना थोड़ा सा इसके चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को, वही जाना पहचाना क्वेश्चन। और ये अपने पास 5-6 क्वेश्चन बनते हैं और ये हर आकृति में मैं समझाऊंगा आपको। ये जितनी भी आकृतियां बनेंगी अपने पास उनमें सभी में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो इसके दोनों डायगनल्स इक्वल नहीं होते, ध्यान रखना। ये पहले वाला डायगनल अगर डी वन है, दो रेक्टेंगल बनेंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ये अगर हम लोग डी वन माने तो ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी भी होगी और उसके पैरेलल भी होगी। तो ये डी वन बाई टू इसके पैरेलल, ये डी वन बाई टू इसके पैरेलल, तो साइड डी वन बाई टू बराबर हो गई। और ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो दोनों पैरेलल भी हो गई, दोनों समांतर भी हो गई। दूसरा डायगोनल अगर आप लोग मानते हो डी टू, क्योंकि बराबर नहीं होते, ब्लू वाला और रेड वाला बराबर नहीं होंगे, तो एक ट्रायंगल बनेगा उस साइड और एक ट्रायंगल बनेगा इस साइड। ये अगर अपने पास डी टू है तो ये भी अपने पास आधा भी होगा डी टू बाई टू, और ये इधर भी मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी उसके पैरेलल होती है, डी टू बाई टू और पैरेलल। ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगी। अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल हो गई तो तुरंत समझ में आएगा या तो पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा। अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होते ही आपको समझ में आएगा या तो अपने पास रेक्टेंगल होगा या समांतर चतुर्भुज या आयत। तो अब ध्यान देना, दोनों डायगनल्स अगर 90 डिग्री पर काटते हो, ये याद कर लेना, 90 डिग्री पर काटते हो तो ये भी 90 होगा और फिर आयत हो जाएगा, और 90 डिग्री पर अगर नहीं काटते तो ये भी 90 नहीं होगा और ये भी 90 नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा, ये पी क्यू आर एस जो है, ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो समांतर चतुर्भुज के चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर, ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज ही बनता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये कोण अपने पास अगर 90 होता तो दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, रेड वाली, ये 90 होता तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी 90 होता। और ये इधर ब्लू वाले के साथ और रेड वाले के साथ ये कोण अगर 90 डिग्री बन रहा है तो इधर ये भी कोण 90 डिग्री बनता, तीनों कोण 90 है, तो ये भी 90 होना है। और ये अगले चैप्टर में समझ में आ जाएगा कि 90 कैसे बनेगा, लेकिन ये भी 90 नहीं है तो ये 90 नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं, 90 डिग्री है नहीं और अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल हैं, तो अपने पास ये बन गया समांतर चतुर्भुज। ये के अंदर चारों साइड्स को मिलाने पर समांतर चतुर्भुज ही बनता है, ये आप लोग ध्यान रखना। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, देखिए ये पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को समझाया था और एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ए बी सी और डी, ध्यान रखना, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, इस क्लास में भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से जरूरी मिड पॉइंट कहीं पर भी मिलाओ, इस कंप्लीट बेस को लेकर, चाहे ऊपर से मिलाओ चाहे नीचे से मिलाओ, इस वाले भाग का क्षेत्रफल टोटल का हाफ होगा। इस पॉइंट को अगर मैं पी नाम दूँ तो ए पी आर का जो क्षेत्रफल है, ट्रायंगल ए पी आर का जो क्षेत्रफल है का एरिया, ध्यान रखना अपने पास जो टोटल, ये जो पैरेललोग्राम है, ये जो समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम जो हम लोगों ने बनाया, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल का हाफ होगा। चाहे इधर से मिला लो और चाहे उधर से मिला लो, चाहे ये वाला ले लो, आप लोग ऐसे भी ले सकते हो, किधर से भी आप लोग इधर से एक कंप्लीट बेस लेना आपको, चाहे नीचे वाला चाहे इधर वाला, इसका जो एरिया होगा वो टोटल का हाफ होगा। ध्यान रखना ऊपर से ऐसे भी ले सकते हैं आप, ऊपर वाला ये ले लिया, नीचे ऐसे मिलाए, इसका क्षेत्रफल भी टोटल का हाफ होगा। डायगोनल तो आधा आधा बांटता ही है, विकर्ण तो क्षेत्रफल आधा आधा बांटता ही है, दो ट्रायंगल बन जाएंगे, लेकिन ऐसे अगर मिला दिया जाए तो ये भी क्षेत्रफल हाफ कर देगा। ध्यान रखना इस प्रकार से अगर अपने पास कोई भी पैरेललोग्राम है, कोई सी भी एक साइड कंप्लीट लेकर दूसरे साइड पर अगर ट्रायंगल बना दिया जाए, उस ट्रायंगल का वर्टेक्स अगर दूसरी साइड पर है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो टोटल का हाफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके कंप्लीट का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, और ट्रायंगल हाइट तो वही सेम होनी है, ट्रायंगल की हाइट तो वही होनी है, और बेस भी वही, बेस सेम ले लिया है, हाइट दो पैरेलल लाइंस के बीच सेम होनी है, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ध्यान रखना ट्रायंगल का एरिया, चाहे कोई सी भी एक साइड लेकर और उस ट्रायंगल का वर्टेक्स अगर दूसरी साइड पर है, तो उसका एरिया टोटल का हाफ होगा। और इस पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन रेक्टेंगल में भी समझा चुका हूँ, और जो रेक्टेंगल में क्वेश्चन बना था वही क्वेश्चन पैरेललोग्राम में भी बन सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो अगला पॉइंट देखिए आप लोग, पॉइंट नंबर 10,
दस या नौ, नौ भी जो भी है आप लोग डाल लेना ना, संख्या में बीच बीच में भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं, नौ भी हो सकता है दस भी हो सकता है। ये इस प्रकार से ये ए बी सी और डी कोई भी पैरेललोग्राम है, ध्यान रखना ये इसके मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट यहाँ पर पी, और अपने पास इसका मिड पॉइंट यहाँ पर क्यू, इनके मिड पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो इस डायगोनल को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इनके अगर हम लोग इनके डायगोनल्स को अगर मिला दें तो ये हमेशा और हमेशा इस बीच वाले को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। और ये दोनों जो लाइन होती हैं ये हमेशा पैरेलल भी होती हैं। क्यों करता है मैं समझाता हूँ, देखिए सभी लोग समझने की कोशिश करना। ये मान लो एल है तो ये इधर बचा एल बाई टू और ये इधर भी बचा एल बाई टू। ये जो एंगल अगर एक्स है तो ये एंगल भी एक्स होगा, क्यों? क्योंकि दो लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, अपने पास ये एक्स होगा तो ये भी अपने पास एक्स होगा। ध्यान देना आप लोग, ये वाला एंगल अगर यहाँ पर वाई है तो ये वाला एंगल भी वाई होगा, और ये दोनों लाइन मैंने कहा पैरेलल होंगी, मिड पॉइंट को मिलाया, इधर से मिड पॉइंट को मिलाया तो ये और ये बराबर हैं, तो ये अपने पास पैरेलल होंगी। ये अगर एंगल वाई है तो ये वाला एंगल भी वाई होगा, दो एंगल बराबर हैं तो ये अपने पास एक साइड भी बराबर है तो ये बराबर हो गई इसके, इसका मान अगर अपने पास मान लो ए है तो ये भी इधर ए हो गई और ये भी इधर ए हो गई। अब मैं फिर समझाता हूँ, अगर हम लोग इसको मिला दें तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन डायगोनल के हमेशा मिड पॉइंट पर मिलती है, ये आप लोग ध्यान रखना। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो डायगोनल्स के हमेशा मिड पॉइंट को मिलती है, और ये यहाँ से यहाँ तक अगर b था तो ये इधर होगा b बाई टू, तो देखो ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी, मिड पॉइंट को ही मिलाने वाली लाइन है तो पैरेलल भी होगी। तो ये एंगल इसके बराबर, ये जो एंगल है, अब रेड में बहुत काम कर लिया, ब्लू से काम करता हूँ, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर, और अपने पास वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते ही हैं, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते ही हैं, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ये अगर b है तो ये b बाई टू है, ये a है तो ये भी a बाई टू होगी, ये वाली a बाई टू ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, ये भी a बाई टू होगी, तो ये भी टोटल किसके बराबर आ गई, a के बराबर। तो ये a और ये भी a, तो ध्यान रखना है जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती हैं ये डायगोनल को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, और ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, 10 नंबर पॉइंट में आपको पढ़ा चुका हूँ, अगले पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 11 पर। 11 नंबर पॉइंट जो है उसमें आप लोग ये याद रखना, पॉइंट नंबर 11, ये ध्यान रखना क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं और पैरेलल लाइन जब भी हो तो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ये वाला जो एंगल होगा वो अपने पास होगा 180 माइनस एक्स, और ये दोनों लाइन भी पैरेलल है तो ये वाला एंगल अगर 180 माइनस एक्स है और इन दोनों का सम, लाइन पैरेलल होती है तो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, ऐसा मैं बता चुका हूँ, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लाइन और एंगल जब पढ़ाया था उस टाइम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये एंगल अगर 180 माइनस एक्स है तो ये एंगल भी कितना होगा, एक्स होगा, ये एक्स है तो अपने पास ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये एक्स है तो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, ये एक्स है तो ये अपने पास होगा 180 माइनस एक्स। मुझे बताइए क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि समांतर चतुर्भुज में अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं और पास पास वाले जो एडजेसेंट एंगल हैं आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये पॉइंट्स आप लोग अपने नोटबुक में लिखते चलना, क्या समझ पा रहे हो क्या? आसन कोणों का योग नज़दीक नज़दीक वाले जो एंगल हैं, दो पॉइंट लिख लेना 11 नंबर में, अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल और एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। देखिए इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कहीं भी अपने पास लिख देगा ये 3x माइनस 20 है और ये अपने पास आ गया x माइनस 10 और वो कहेगा कि चलो x की वैल्यू आप लोग बताइए। तो इस पर छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, नॉर्मल सा, वो हम लोगों से पूछता है कि x की वैल्यू आप लोग बताइए, तो 3x माइनस 20 इक्वल्स टू x माइनस 10 है तो ये इधर आ जाएगा 2x बराबर अगर 10 ये इधर जाके प्लस तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 अपने पास ये आंसर होगा। लेकिन ये जो अपने पास है ये वाली वैल्यू आप लोग इसको 40 मान लीजिए या इसको 50 मान लो, ये वाली जो वैल्यू है इसको आप लोग 50 मान लीजिए, 50 मान लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50, तो ये 50 आ जाएगा तो उधर जाकर हो जाएगा 40 और 40 हो जाएगा तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 20।
ये पांच, क्योंकि पांच आ जाएगा वहां पर तो एंगल नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहीं पर बना रहा हूं, पहले से मैंने नहीं सोच रखे हैं, क्वेश्चन में यहीं पर बना रहा हूं तो वो एंगल नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने के बजाय इसका एंगल तो पॉजिटिव होगा, तो यहां पर इसको चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा। तो अक्ष की वैल्यू 20 यहां रखोगे तो 10, 20 यहां रखोगे तो 10, तो अक्ष का मान आ गया 20। ये था अपने पास पॉइंट नंबर 11। तो मैंने आपको कंप्लीट इसका जो पॉइंट है पैरेललोग्राम का, समांतर चतुर्भुज को हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ा। आइए एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूं। पहले मैं उस क्वेश्चन को बोर्ड पर कंप्लीट लिखता हूं, फिर आप लोग करने की कोशिश करना। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कंप्लीट जो क्वेश्चंस होंगे वो बाद में जब मैं आपको क्वेश्चंस करूँगा, पहले थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सर्किल के बारे में। सर्किल के 5 या 6 लेक्चर होंगे जिसमें बहुत डीप से मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ, सारी थ्योरी मैं उसकी करवाऊंगा, हर क्यों का जवाब दूंगा, और उससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे पॉलीगन्स के बारे में, और उसके बाद मैं क्वेश्चंस की शुरुआत कर दूंगा। और कंप्लीट जैसे एक बार जो भी ज्योमेट्री का थ्योरी, और अगर एक बार मेरे क्वेश्चंस जितने मैंने करवाए जिस स्टैंडर्ड के करवाए वो आप लोग कर लोगे, तो आप खुद देखना कि कितने स्टैंडर्ड से और कितने सही तरीके से आप लोग नए क्वेश्चन भी कर पा रहे हो। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिखता हूँ और उसको फिर करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तो ये 11 नंबर पॉइंट था और ये अपना यहाँ पर थ्योरी तो खत्म है, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से है, इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। Where AB equals to BG, AB equals to BG, and EF equals to 2 centimeter. Find length of GD. इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज ABCD में, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, इस प्रकार से दिया हुआ है ए बी बराबर बी जी, और हिंदी में और लिख लेना ना, ई एफ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, तो जी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में, और चित्र भी हमें दिया हुआ है वो मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं। इस प्रकार से ए बी सी और डी एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, ये आगे बढ़ाने पर ये पॉइंट जी है, ये पॉइंट अपने पास एफ है, और इसको मिलाने पर ये पॉइंट अपने पास जी है और ई है, सॉरी ये पॉइंट ई है। और हम लोगों से कहा है कि आप लोग ये क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है, इस प्रकार से अपने पास डायग्राम दिया हुआ है, और हम लोगों से पूछा है कि आप लोग लेंथ बता दीजिए, जी डी की लंबाई आप लोग बता दीजिए। तो कैसे करेंगे, जैसे ही मैं क्वेश्चन देता हूं, मैंने पहले भी कहा है कि जैसे ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूं, आप लोग उस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज किया करो और क्वेश्चन को खुद करने की, मैं सामने से हट जाता हूं, क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश किया करो। अब मैं समझाता हूं, देखिए मैं समझा रहा हूं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सही क्वेश्चन। और एक चीज़ मैं बता चुका हूँ कि इनके क्वेश्चन डायरेक्ट कम आकर जब भी क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा जो भी चीज़ें इसमें प्रूव होंगी वो अपने पास प्रूव होती हैं हमेशा और हमेशा ट्रायंगल से। तो ये वीडियो अगर देख रहे हो आप लोग तो पहले ट्रायंगल वाला वीडियो कंप्लीट देखिए, जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा सही समझ में आए। तो यहाँ पर मैं फिर से बनाता हूँ डायग्राम आपके लिए, इस प्रकार से है, ये और ये बराबर है, ये 2 दिया हुआ है, और ये पॉइंट ई सी, और हमें इसका मान पूछा है कि बी जी की लंबाई आप लोग जी डी की लंबाई, जी से डी तक की जी डी की लेंथ पूछी है, फाइंड द लेंथ ऑफ जी डी।
ओके तो देखो मुझे आप लोग ये बताइए, ये अगर एक ए बी सी डी लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ए बी सी डी इन द गिवन फिगर, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ध्यान रखना पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड हमेशा पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी, और ये यहाँ पर जितने भी लोग जितने भी स्टूडेंट ये वाला वीडियो देख रहे हैं उनको ये चीज़ याद होगी। मैं ट्राइंगल बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ये आप लोगों को याद होगा कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरे से आधी और उसके पैरेलल होगी। तो मुझे बताइए कि ये मिड पॉइंट है क्या? क्वेश्चन में दोनों बीजी और ए बी दोनों खुद ने क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों इक्वल हैं और बराबर होगी, तो ये मिड पॉइंट हो गया, और ये अगर मिड पॉइंट हो गया तो अपने पास ये इधर भी मिड पॉइंट होगा। तो ध्यान रखना दोनों के दोनों ट्रायंगल, मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल जी ए डी की और ट्रायंगल जी बी ई की, ये साइड अगर एक है और ये एक है तो टोटल हो गए दो, रेशियो 1:2 हो गया, तो ये साइड अगर एक्स है तो ये वाली साइड अपने पास होगी 2x, क्योंकि एक बार पैरेलल लाइन होते ही देखो इस प्रकार से ज़्यादा दिखाई देगा आपको, ये अपने पास मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, तो ये अगर 2x है तो ये अपने पास x आ गया। कैसे आया वो मैंने समझा दिया आप लोगों को, क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये साइड अगर ए है तो ये साइड भी ए होगी, और ये साइड अगर ए है तो ये वाली साइड भी ए होगी। क्यों क्यों होगी ये ए क्यों, ये दोनों तो बराबर क्वेश्चन में दी हुई है, ये ए क्यों होगी बताओ? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की ये साथ साथ बोलना है, जैसे मैं बोलता हूँ क्यों होगी तो वहाँ से आप लोगों को बोलना है जहाँ पर भी आप लोग बैठे हो कि सर समांतर चतुर्भुज है इसलिए अपोजिट साइड बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोग मुझे ये बताइए क्या यहाँ पर ये साइड अगर एक्स है और टोटल अगर 2x है तो क्या ये वाली साइड भी एक्स होगी क्या? तो इन दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ, इन दोनों ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ये एक्स है ये 2x और लाइन दोनों पैरेलल हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से ये याद ही रख लो चाहिए। ट्रायंगल में मैं बता चुका हूँ लाइन पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर, एक तो ये पॉइंट याद कर लो, एक साथ ही ये याद कर लो, दो लाइन अगर पैरेलल हों और इसको इससे मिला दिया जाए और इसको इससे मिला दिया जाए तो भी बने दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये दोनों पॉइंट आप लोग याद ही कर लो। क्यों होते हैं? क्योंकि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते ही हैं, ट्रिपल ए के रूल से दोनों के दोनों सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो दोनों ट्रायंगल अपने ट्रिपल ए से सिमिलर हो गए, सिमिलर होते ही बुझाएं समान अनुपात में, तो ये एक्स है ये इससे डबल 2x है, तो ये अगर 2 होगा तो ये अपने पास इधर वाला होगा 4, और ये यहाँ से यहाँ तक अगर 6 है, और मैंने सबसे पहले बताया कि ये इधर मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इधर भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी, ये ट्रायंगल हटाकर थोड़ी देर पहले समझाया मिड पॉइंट है ये 6 है तो इधर वाली भी 6 होगी, तो टोटल की जो लेंथ आ गई वो आ गई 12 सेंटीमीटर। तो ये अपना क्वेश्चन था, और इसको आप लोग एक बार फिर से देखिए, फिर से समझने की कोशिश करो, फिर से बनाने की कोशिश करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट और आप लोग भी जब वीडियो पोज करके अगर आप लोग करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को भी लगभग 90% स्टूडेंट से ये वाला क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो आप लोग, क्वेश्चन अच्छा था, आसान और अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन SSC में आ जाते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।